भाई मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज। बहुत मतलब अच्छा बना रखा है ना। देखो क्या ब्यूटीफुल, और आगे दिखाता हूँ क्या और ब्यूटीफुल है। हेलो ब्लॉग, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडी हो गए दोनों जाने? यस, चलो चलो जी, चलो। रेडी सेट गो। ऑल राइट, लेट्स गो। चलो जी, चलिए। ऑफिशियल फंक्शन में इवेंट, इवेंट पे जाना है। चलो इवेंट पे जाना है। ओके, मिलते हैं कुछ घंटों बाद। भारत सरकार से निमंत्रण आया है। ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो ब्लॉग, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो ब्लॉग, हेलो ब्लॉग, हेलो ब्लॉग, हेलो ब्लॉग। ओके, मिलते हैं कुछ घंटों में। ओके 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 ओके। जी, ट्रैफिक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉप सीधा, नेक्स्ट स्टॉप तो क्या मतलब फर्स्ट स्टॉप ही है हमारा, बट ट्रैफिक में इतना लग रहा था ना कि वो स्टॉप ही लग रहा था एक। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप सीधा प्रगति मैदान ही है, नहीं भारत मंडपम है, भारत मंडपम। ये मुझे कल ही पता चला से। नहीं भाई, बहुत बहुत टाइम से नाम चेंज हो गया और पूरा वो मेकओवर हो गया ना भारत मंडपम। हाँ, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इवेंट है तो उसमें जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इवेंट में। नाइस, ओ भाई तिरंगा, सुंदर। वो क्या लग रहा है ऊपर? अच्छा वो बॉल है, वो लाइट होती है ना, वो अब रात में चमकती है ना अलग। नहीं, ये कह रहा हूँ वो ऊपर, वो एडवर्टीजमेंट बॉल होगा या किसी का होगा। एम टू के भी नहीं होता था, चमकता था कभी। गाइस, ओ तिरंगा ब्यूटीफुल। आप टाइम लैप्स देखो, तब तक हम लोग पहुंचते हैं प्रगति में। ओ भारत मंडपम, भारत मंडपम। बादल एकदम काले हो रखे हैं, रात में बारिश हो सकती है। जीडीबी नगर से बादल अगर फ्लो जो काले ना, प्रॉपर काले हैं अभी, शीशे से तो दिख भी नहीं रहा, मोटा जा रहे हैं। सर के ऊपर है ना, मेरे को लग रहा है ये रोहिणी आ रहे हैं बादल। जब तक हम लोग पहुंचेंगे घर तब तक वाले दिख रहे हैं, इधर वाले तो नहीं, वो ये वाले दिख रहे हैं। टाइम बाद देख रहा हूँ ये सब। तो ये तो वैसे ही वो होता है, ये तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है। नाइस, अच्छा है, नाइस नाइस नाइस। चलो अब देखते हैं अंदर, बाकी लोग भी आएंगे, देखते हैं कोई अगर हमारा यार दोस्त मिलता है तो इन्फ्लुएंसर में से। वेरी नाइस, वाह वाह, वेरी नाइस। आज का हमारा ओओटीडी इज दिस, ओओटीडी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल वेयर। वो तो ओओटीडी नहीं है, बोला ही था ट्रेडिशनल के लिए। आई फोटो, फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर गाइस, फोटो इज इंपॉर्टेंट। विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अन्य मंत्रालयों का भी दायित्व राज्य मंत्री के रूप में ही मैं भी हम सबके बीच बता रहे हैं। पूर्व भारत के विभाजन के ऊपर बोलने के लिए बोला गया। मित्रों, इतिहास किसी विद्यार्थियों के लिए या कुछ पराये लोगों के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस या टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, हम सब के लिए उस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। अब हमारा इवेंट हो गया है, काफी अच्छा इवेंट था, हो गया पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज। हाँ, पोस्ट इवेंट थे, नाइस, अच्छा इंसाइटफुल इवेंट था, सीखने को मिला कर चीजें। भाई मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज। बहुत मतलब अच्छा बना रखा है ना। देखो क्या ब्यूटीफुल, और आगे दिखाता हूँ क्या और ब्यूटीफुल है। अभी सारे क्रिएटर लोग कहीं एक जगह पे जा रहे हैं और फिर आई थिंक मीट एंड ग्रीट या कुछ तो होगा, वो सब चलेगा। ये हम लोगों को ऐसे ही फिजिकल सा इन्वाइट भी मिला था, मीट एंड ग्रीट भी हो गया हमारा काफी लोगों के साथ। ओके बाय, खूनी खूनी मंडे बाय। क्या आज मंडे नहीं है? ओ शिट, आज कैसे बात कर ली मैंने। हाँ ले ली, ठीक है, ओके बाय बाय, चले फिर हम भी। ओके यार, वो कवर्ड पार्किंग यहीं से है ना, आई थिंक आपका गेट वन है ना? नहीं, सेवन है, सेवन है, तो बिल्कुल पास में ही है ना। ठीक है, चलो सी यू। ओके व्लॉग, भाई अब फिर क्या करना है? कैफे लोटा का खाना खाना है? पता नहीं भाई, घर ही चलते हैं। कैफे लोटा जाएंगे ना तो फिर बहुत ट्रैफिक में फंस जाएंगे। दिस इज अ स्वीट स्पॉट निकलने का।
उन्होंने कहाँ से बोला था, कहाँ से कहाँ चले जाना? नीचे कहीं तो फिर कहीं खो जाना फिर। भारत मंडपम मजा आया भाई, अच्छा लगा शायद, काफी अच्छा बना दिया मेरे को भाई, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, काफी अच्छा था। चलो अब एग्जिट करते हैं, अब अगली बार से भारत मंडपम को अंटिल नेक्स्ट टाइम बाहर से देखेंगे, अभी किसी एग्जीबिशन है उसमें आएंगे या कोई और फिर कोई मिनिस्ट्री इनवाइट करे तो फिर आ जाएंगे, है ना। ओके जी, अभी जस्ट घर वापस आया और आज बड़ी मजे की बात हुई, जाते टाइम भी और आते टाइम भी भाई के साथ गया था और भाई ने बोला तू गाड़ी चला ले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ये मौका तो मैं कभी भी हाथ से नहीं छोड़ने वाला, बट जाते टाइम तो 40 मिनट में पहुंच गए रोहिणी से प्रगति मैदान जो एक्चुअल टाइम है, आते टाइम ट्रैफिक इतना मिल गया पता नहीं क्यों यार। ये ना रोहिणी के पास एक मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है और पता नहीं उस चक्कर में ऐसा वो होता है 25 मिनट का प्लस सीटी है, मतलब ऐसे गुड़गांव वाली फुल फीलिंग दे रहा था। तो हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया, उससे भी टाइम तो कम हुआ बट इवेंचुअली 40 मिनट का रास्ता हमें 80 मिनट के आसपास का लगा, 1 घंटा 20 मिनट लगे हमें घर वापस आने में। तो मैं ये व्लॉग एडिट ही कर रहा था, तो इससे पहले वाला जो दिन है ना, जो वेडनेसडे ट्यूसडे का जो भी व्लॉग था ना, वो मैं उसको कल के व्लॉग के साथ डालूंगा या कुछ करूंगा। मैंने सोचा ये 14 अगस्त का व्लॉग है, इसको आज ही के आज डालते हैं। तो बस फटाफट घर आया और इसको एडिट वगैरह करा और फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने आपको बताया नहीं क्या क्या इवेंट था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इवेंट था, 14 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं एज हॉरर्स ऑफ पार्टीशन डे, तो उसके रिगार्डिंग इवेंट था। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे अपने पार्टीशन के टाइम पे, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर के फैमिली के एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ओवरऑल कल्चरली बहुत रिच एंड इवेंट था, बट एट द सेम टाइम इट वॉज अ वेरी मतलब एक तो बहुत हैवी इवेंट था, तो वो अच्छा था। एंड हम लोगों को मौका मिला, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलने का, गजेंद्र सिंह जी से भी मिलने का मौका मिला, तो दैट वाज समथिंग जो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं पहली बार, मैं और भाई दोनों पहली बार भारत मंडपम में गए थे और क्या वो देख के इतना मतलब हम लोग खुश हो गए, ब्यूटीफुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था आईनॉक्स में आ गए या पता नहीं कहाँ लग रहा था। मतलब हम लोगों ने एंट्री करी, ये ना कैमरास वगैरह कुछ अलाउड नहीं थे और सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो थी, हमें बोला था IDs लेके जाने के लिए, लास्ट मोमेंट पे मतलब उनका कैंसिल हो गया, वरना होम मिनिस्टर भी आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह के लिए हमें पहले बोला होता प्रोटोकॉल्स वगैरह के लिए, तो कैमरास वगैरह अलाउड नहीं था। तो फ़ोन से मैंने थोड़ा जितना बहुत व्लॉग किया वो सब चीज़ करी आप लोगों के लिए। बट यार अंदर जाते ही द फर्स्ट एक तो मतलब आपको फील आती है, पूरी कारपेटिंग हो रखी है, मतलब यू फील कि यार मतलब आप हो, मतलब इंडिया इज़ गोइंग प्लेसेस, आपको वो जो फील आती है ना, आई कांट टेल यू कि अब हम लोग प्रगति मैदान दिल्ली वाले हैं, प्रगति मैदान गए हुए हैं या वो है, मतलब ठीक है चलो दिस इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट इवेंट एंड उसके हिसाब से वेन्यू और वो सब चीज़ है, बट जो मतलब वाइब है ना भारत मंडपम की एंड ऑल, मतलब इन ऑल कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो आपको मैं कैमरा पे समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ, दैट वॉज समथिंग जो पर्सनली अच्छी लगी, दैट वॉज वेरी नाइस। बाकी मन था लोटा कैफे जाने का पर ट्रैफिक वगैरह भी इतना था, ये सब था, तो ठीक है कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा भारत मंडपम का वो जो इतना उसका डेवलपमेंट देख के ना, इट वॉज नाइस। चलो बात करेंगे अगले व्लॉग में, कल है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हर घर तिरंगा, तो कल घर में ना इंडिपेंडेंस डे पे कुछ तो मम्मा तिरंगे की है, कुछ बनाती है, कभी इडली बनाती है तिरंगा इडली, कभी मतलब अलग अलग कलर्स की इडली बना दी, कभी बर्फ़ी बनाती है मम्मा या कुछ करती है, तो वो कल पता चलेगा। एंड वो भी ब्रेड पकौड़े भी बनते हैं घर में, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बच्चे होते थे ना तो जब बचपन में जहाँ रहते थे ना वहाँ पर ना वो होता था
ऐसे पतंग उड़ाते थे, छतवत भी होती थी, अब तो सोसाइटियों में छतवत भी लॉक हो जाती है, ये होते हैं, तो कहाँ नीचे ज़मीन से ऐसे इतने आलस आता है। फिर कभी दोस्तों के घर चले जाते थे, सेनी के घर चले जाते थे, मेरा एक दोस्त होता था उसके घर जाते थे, सब लोग वहाँ जाके पतंग उड़ाते थे, ये करते थे। स्कूल जस्ट ख़त्म ही हुआ था आई थिंक, वैसे तब के टाइम पे ऐसे एक दूसरे के घर जाके छतों पे पतंग उड़ाते थे, वो भी कल्चर नहीं रहा आई थिंक। हमारे सारे दोस्तों के बीच में दिल्ली में 15 अगस्त पे सब लोग पतंग उड़ाते हैं, बाकी सिटीज़ में स्टेट्स में अलग होता है, दिल्ली में 15 अगस्त पे उड़ाते हैं। तो बाकी मतलब आई थिंक हमारे बाकी सारे दोस्तों में सब कोई भी पतंग नहीं उड़ाता। सेनी आई थिंक अभी भी शौक से पतंग उड़ाता है, तो अभी आई थिंक इसके बाद मैं सेनी को फ़ोन करूँगा ना ब्लॉग डालने के बाद, तो उसका पूरा सीन सेट होगा कल पतंग उड़ाने का। चलो तो ये था एक्सपीरियंस, शेयर करा मैंने आप लोगों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इवेंट का एक्सपीरियंस। बात करेंगे कल के ब्लॉग में, बाय।